पानी बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा आंटी का शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत शुक्रिया। बच्ची कितनी प्यारी थी ना आपा। आपा, आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? मुझे माफ कर दे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। आयशा आपा जल्द एलिफ को ले आएंगी जैनब। वो आरजू उसकी जान छोड़े तब ना। मेरी बच्ची एपिक, कैसी तबीयत है? मामा जी। मेरी जान, क्या हुआ था मुझे? मैं यहाँ घर कैसे आई मामा? मैं ली तुम्हें लाया था। अच्छा, वो लेकर आया? जब मैं क्लास लेने गई तो वो वहीं था, अब कहाँ है वो? एपिक, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? एपिक, कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? देखो तुम्हारा पसंदीदा दूध लाई हूँ, चलो पी लो इसे। चलो बेटा पी लो, ताकत मिलेगी, पी लो। शाबाश। मैली चला गया क्या? जी चले गए वो, उन्होंने कहा है कि एपिक से मिलने के लिए दोबारा वो फिर आ जाएंगे। पियो शाबाश। मैली आया था? कहाँ गया, चला गया क्या? कौन? मैली साहब, वो तो जा चुके हैं। समझता क्या है, इतनी हिम्मत उसकी मेरे सामने खड़े होके बात करे, और वो भी इस लहजे में। मैंने सब कुछ सुन लिया, आपकी मदद करना चाहता हूँ गधा कहीं का। जानता नहीं है मेरा नाम आरजू है? मैं कैसे किसी अरे गैरे से पैसों की भीख मांगूंगी? चलो बेटा थोड़ा सा बाकी है। मैली यहाँ क्यों आया था? एपिक को छोड़ने आया था। तुम दोनों साथ थे क्या आज? सलीम वो इसी मदरसे में मिला था। उसका वहाँ क्या काम था? एग्जीबिशन में आया था। चलो अब तंग नहीं करो इसे। चाहिए क्या मतलब? क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? जल्दी बोलो बात क्या है। तुम अच्छी तरह जानती हो क्या चाहिए मुझे। नोटों की गड्डियां चाहिए मुझे। बात सुने आरजू साहिबा, आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है, वरना घर आकर सबको सब कुछ बता दूंगा, समझ गई? आइंदा फोन मत करना, समझे? पैसे तैयार है। ये पहले कहना चाहिए था ना। बड़ी फुर्ती दिखाई, मानना पड़ेगा। देख रखता हूँ, अब मेरी याद में रोने मत लग जाना कहीं। हम दोनों की जल्द मुलाकात होगी। दफा हो। या अल्लाह क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
गौंजा भी अभी तक नहीं आई है और कितनी मुसीबतों से गुजरूंगी। वो शख्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आए दिन यहाँ आ जाता है वो, और वो वहाँ पर क्या करने गया था आखिर? बेटा, तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो कौन संभालता हमारी बच्ची को? मैडम, कैसी हैं? कुछ पूछना था आपसे। वो अगर मैं बोलो आयशा, क्या हुआ? टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आप इजाजत दें तो मैं शहर जा सकती हूँ। आज जाना जरूरी है, एपिक को कौन देखेगा? मैं ज्यादा देर नहीं करूँगी, बस कुछ घंटे। नहीं आयशा, कोई जरूरत नहीं। चाचू, आए ना मेरे साथ खेले ना प्लीज। आज नहीं बेटा, मुझे कॉलेज जाना है। मुझे भी ले जाएं प्लीज चाचू। तो तुम मेरे साथ कॉलेज जाना चाहती हो? जी हाँ। तो फिर ठीक है, साथ चलते हैं हम दोनों कॉलेज। मेरे प्यारे चाचू। खबर मत देना। बताओ मुझे क्या हुआ है? नहीं हो सका। क्या मतलब नहीं हो सका? एक छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं कर सकी तो? कितना परेशान थी मैं भी। मैली को तो जानती हो ना? हाँ बिल्कुल। कहता है मेरी मदद करेगा, मेरी आरजू की मदद करेगा। कैसी मदद? पैसों की। मेरी बातें सुन ली थी उसने, समझता है मुझे पैसे चाहिए और कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मैडम वो गौंजा, हद होती है। एक छोटा सा काम नहीं कर सकी तुम, इसमें मुश्किल क्या थी? बस किसी भी दुकान पर वो हार बेच कर आना था। बहुत कोशिश की मगर क्या, हर दुकानदार ने एक ही बात कही मुझसे। क्या बात कही? सब रसीद मांग रहे थे, रसीद के बगैर नहीं ले रहे वो हार। शादी का तोहफा है वो, इतने सालों बाद रसीद कहाँ से लेकर आऊँ? रसीद के बगैर तो कोई भी नहीं लेगा हार। तुम्हें भेजकर मैंने गलती की, अच्छा होता मैं खुद चली जाती। मुझे नहीं पता था तुम इतनी निकम्मी निकलोगी। लाओ मुझे दो, किसी काम की नहीं हो तुम। मैं रेडी हूँ, चले चाचू। ठीक है मेरी जान, चलो चलते हैं। बेटा कहाँ जा रहे हो? कॉलेज अम्मी। टीचर को भी साथ ले जा रहे हो? मैं जल्दी आ जाऊंगा, वैसे प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है मुझे, उसके बाद मैं इसे कैफे ले जाऊंगा, बाहर ही खाना खा लेंगे हम दोनों। चलो ठीक है, ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, मैं चलता हूँ अब। एलिफ, क्या तुम भी चलना चाहोगी हम लोगों के साथ? वो नहीं चल सकती। आयशा अब्बा, एलिफ को ले जाऊं क्या मैं? घर पर बोर हो गई है वो। मैं क्या बोल सकती हूँ। ले जाओ दोनों को, घर में थोड़ा सुकून आ जाएगा। वैसे भी एपिक बीमार है। एलिफ आ जाओ, चलो चलते हैं। अच्छा हाँ सलीम, दोनों का ख्याल रखना, दोनों मिलके बहुत शरारतें करती हैं। आप फिक्र मत करें अम्मी।
थक गई होंगी ना आपा? नहीं, ठीक हूँ मैं। मुझे आज प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, इसलिए कॉलेज जाना होगा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा ज़ैनब। उम्मीद तो यही है। प्रोजेक्ट सबमिट करवाते ही वापस आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है ज़ैनब, चलो वक्त ज़ाया मत करो, जाओ। ठीक है आपा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़ ज़ैनब। जगह मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद आई, क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी? देखो मैं तुम्हारी खुशी तो खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इस जगह का किराया तो बहुत होगा। लेकिन ये शहर के सेंटर में है और यहाँ खाली जगह मिलना किसी मौजे से कम नहीं। मेरा भी तो यही मतलब है जान, ये जगह हमारे रेंज से बाहर है। अफसोस की बात है, मैंने कितनी मदद की थी जब तुम अपने लिए जगह देख रहे थे। यार कार वॉश के काम को इससे कैसे कंपेयर कर सकती हो? चलो आओ कहीं और चलते हैं, कोई और दुकान देखते हैं, हमारे मोहल्ले में मिल जाएगी। लेकिन वो आदमी तो आने वाला है। कौन? स्टेट एजेंट। हद है यार, तुम कम से कम मुझसे पूछ तो लेती ऐसा करने से पहले। तो अचानक क्या हो गया जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? ये मेरा ख्वाब है और तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे मुराद। तुम मुश्किल कर रही हो मेरे लिए। तो मतलब हम ये जगह किराए पर नहीं ले सकते? यार हम ले तो सकते हैं लेकिन मेरी जान तुम बहुत अच्छे हो। बस भी करो यार, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अच्छा ठीक है। अलिफ बेटा चलो आ जाओ, तुम भी पीछे बैठ जाओ। मुझे इसके साथ नहीं बैठना है चाचू। बच्चे फ्रंट सीट पे नहीं बैठते, चलो पीछे जाओ तुम। लेकिन चाचू मैं बैठूंगी। अगर नहीं मानोगे तो सिर्फ एलिफ को लेके जाऊंगा, ले जाऊं सिर्फ उसे। उफ। ख्याल से ड्राइव करना। आप फिक्र न करें आयशा आपा, मैं ख्याल रखूंगा इनका। बताओ ये तरीका सही है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? ठीक है ठीक है, फिर बात करता हूं। समझ नहीं आती ऐसे लोगों की। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मलिक, यूनुस ने कहा है कि आज वो काम पर नहीं आएगा, जिसका मतलब कि हमारे पास आज वेटर नहीं। क्या आज आप थोड़ी मदद कर देंगे हमारी? जरूर। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। कोई बात नहीं, शुक्रिया। मेली साहब का अल्लाह भला करे, फूल दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, कैसे हैं आप? खुश आमदीद मेली, अभी हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे। फूल तो काफी अच्छे लग रहे हैं। ये मसला आपकी मेहरबानी से ही हल हुआ है, एक बार फिर शुक्रिया आपका। केनान साहब, आपने उस बारे में कुछ सोचा जिन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के बारे में हमने बात की थी? मैं उस बारे में आपसे बात करने ही वाला था, शायद यही सही वक्त है इक्विपमेंट खरीदने का। खुशी हुई केनान साहब, काश्तकारी के पुराने तरीके आज भी चल रहे हैं लेकिन आज के दौर में मॉडर्न मशीन से बहुत फर्क पड़ता है प्रोडक्शन पे। यकीन करें इस फैसले से फायदा होगा आपको, कोई नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
अच्छा मैं इजाजत चाहता हूँ, कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए मुझे बैंक जाना है। देख कर करो, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। आप परेशान ना हो, ये मेरा रोज का काम है। वैसे एक बात है, जब मेरे बेटे ने इस बिजनेस का बताया तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन अब समझ आ गया है। अच्छा काम है ये। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खैरियत तो है, कोई मसला है क्या? हाँ एक मसला तो है। तो बताओ ना भाई, मिलकर हल कर लेंगे हम। एक काम था। हाँ जिसकी कल बात कर रहे थे तुम। नहीं कोई और बात है, कोई छोटा मोटा काम नहीं। अब ऐसा भी क्या काम? ये बहुत बड़ा काम है भाई, अगर पैसे होते तो सारे लगा देता मैं। बस यूँ समझे कि इस काम के लिए अपना घर तक बेच देता मैं, इतना बड़ा काम है। वाकई ऐसा क्या काम है? बताता हूँ, एक इन्वेस्टर है जो मेरा करीबी जानने वाला है, प्रॉपर्टी का काम करता है। अच्छा तो? वो अक्सर अजरबैजान से आता जाता रहता है, लोगों से पैसे लेके वहाँ इन्वेस्ट करता है। अच्छा वाकई? मुजफ्फर को तो जानते हो ना? हाँ। उसने वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी और आज देख लो उसे। क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें करता है वो तो, कभी नई गाड़ी कभी कुछ और। क्या करूं भाई, अगर मेरे पास पैसा होता तो बिना वक्त जाये किए वहाँ इन्वेस्ट कर देता मैं। तो उस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है क्या? हाँ भाई उस पे भरोसा किया जा सकता है, उसका तो काम भी यही है। मिलेगा कहाँ ये आदमी? वो अगले हफ्ते आ रहा है, अगर पैसे है तो फायदा है मिलने का। हाँ। अगर पैसे हैं तो दे दे उसके जाने से पहले। बच्चों मैं प्रोजेक्ट सबमिट करवाकर अभी आता हूं, ठीक है? बस 5 मिनट में आ जाऊंगा मैं, लेकिन तुम दोनों यहीं रुकना और कहीं मत जाना, बाहर हरगिज मत निकलना। हेलो जैनब, कहां पर हो तुम? मैं बाहर ही हूं। ठीक है तो फिर मैं तुमसे अंदर ही आके मिलता हूं। क्या तुम लोग कुछ खाना चाहोगे? देखो मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। कहाँ ले जाएंगे? मेरे एक दोस्त का कैफे है, वहां लेकर जाऊंगा। उनका पास्ता बहुत मजेदार होता है। चाहिए हो तो बताइएगा, ये लीजिए। सॉरी ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया, ये ले जाओ। ये भी ले जाओ ना। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक्सक्यूज मी, बात सुनिए। कहिए। मैंने एक ऑमलेट ऑर्डर किया था। बस आता ही होगा, माफ कीजिएगा आज थोड़ा ज्यादा रश है। कोई बात नहीं। बात कर रही हूँ, कोई मसला ना हो तो मैं विजिट करना चाहती हूँ, किस वक्त आ सकती हूँ?
ठीक है, जल्दी मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज। खुश आमदीद मिस्टर कैनन। बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए ना। काफी अरसा हो गया मिस्टर कैनन, हम लोग मिले नहीं। बताइए बिजनेस कैसा चल रहा है? शुक्र है, सब बेहतर है। तो क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? मुझे अपने कंपनी अकाउंट से 3.5 लाख लीरा निकलवाने हैं। ठीक है, उम्मीद है अर्जु साहिबा नाराज नहीं हुई होंगी। किस लिए? दरअसल कल वो यहाँ आई थी और कुछ पैसे निकलवाना चाहती थी, लेकिन हम उन्हें वो रकम नहीं दे पाए। उसके लिए हमें कुछ दिन चाहिए होते हैं। तो कितने पैसे दिए आपने? यही कोई 1 लाख। क्या 1 लाख? जी कैनान साहब, क्या उन्होंने बताया नहीं आपको? नहीं नहीं, मैं शायद भूल गया था। मैं कल यहाँ नहीं था। हाँ, अगर वो हमें पहले इन्फॉर्म कर देती तो मैं उनका काम जरूर करा देता, वो भी बहुत आसानी से। खैर कोई बात नहीं कैनान साहब, मैं बस अभी आता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। आखिर तुम करना क्या चाह रही हो आरजू? लेकिन काम से जा रही हूँ। कहीं मत जाना, घर पर रहना, मुझे बात करनी है तुमसे। किस बारे में बात करनी है? कहा ना कहीं मत जाना, बस आ रहा हूँ मैं। कहीं अलिफ का तो पता नहीं चल गया? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? उस तरफ जाओ, सारी जगह तुमने घेरी है। तुम्हें कहा ना उस तरफ जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, ये दोनों सीट मेरी है, ये कार मेरे चाचू की है। लेकिन सलीम अंकल ने खुद बिठाया है मुझे यहाँ। चलिए जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं यहाँ। अगर अम्मी यहाँ होती ना, तुम्हें कभी भी यहाँ पर बैठने नहीं देती। सईदा, वो कहाँ रह गए यार? बस आने ही वाला होगा यार। लेकिन यार कब से इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ यही काम नहीं है मेरी जिंदगी में। जैसे तुम तो बिजनेस मैन हो ना। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ तुमसे। हाँ वो आ गया। हेलो, कैसे हैं आप? फाइनली हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया, शुक्र है। मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, तुम जानते हो मैं काम पे होती हूँ। हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं, और अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाती, ये भी जानता हूँ मैं। खैर छोड़ो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं तो तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगा? अगर तुम उस दिन की बात कर रहे हो तो बताते चलूं, वो मेरा दोस्त हरगिज नहीं था, समझे? वैसे भी तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे। तो फिर तुम क्यों एक्सप्लेन कर रही हो मुझे? मैंने तो कुछ नहीं पूछा। तो फिर क्या कहना चाह रहे हो तुम? कुछ भी नहीं कहना चाह रहा मैं। अच्छा खैर, मेरी भतीजी आई है, चलो उनसे मिलवाता हूँ, मिलना चाहोगी तुम? बहुत क्यूट हैं दोनों। तुम बच्चों को कॉलेज लेकर आए हो? क्या करता, बच्चे पीछे पड़ गए मेरे, उन्हें कैफे लेकर जा रहा हूँ, उसके बाद हम पार्क जाएंगे। तुम कहाँ जाओगी? मैं भी कैफे ही जाऊंगी। तो हमारे साथ चलो ना, इसी बहाने बच्चों से भी मिल लेना। चलो ठीक है। सलीम,
तुम जाओ, एक जरूरी काम करना है मुझे। किसकी कॉल है? मेरा रिश्तेदार है, कोई काम होगा शायद। ठीक है, मैं बच्चों को लेके जा रहा हूं। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? कभी कभी तो तुम्हें फोन करता हूँ, नाराज क्यों होती हो? अब तुम क्या चाहते हो? यही कि तुम वादा निभाओ। क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी। मुझे बहुत जरूरी काम करना है, नहीं आ सकती मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो काम पे जाना है मुझे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ हूँ मैं, तुम्हें लेने आ जाता हूँ। खुद चली जाऊंगी, इसकी जरूरत नहीं है। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं, लगता है काम कर करके थक गई हो। जब देखो तुम्हें पढ़ाई या फिर काम। यकीनन तुम्हारे बाबा ये बात नहीं जानते होंगे और ना ही तुम उन्हें बताना चाहती हो। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन आधे घंटे के लिए आऊंगी मैं। ठीक है, ये बताओ कहाँ हो, पिक करने आ जाता हूँ। नहीं, खुद आ जाऊंगी मैं। ठीक है, जहाँ मिले थे वहीं आ जाना। ओके। खामखा मेरे पीछे ही पड़ गया है। क्या हम फौरन ये जगह किराए पर ले सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर, बिल्कुल ले सकती है। तैयार है। किस बात की जल्दी है? सईदा अंदर से दुकान देखकर उसका जायजा तो लो, क्या ये बच्चों का खेल है? सईदा मैडम देख चुकी है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आओ। मेरी जान, ये तुम क्या कर रही हो इतनी जल्दी? क्या है तुम्हें? दुकान देख के तुमने पैसों की बात की है? क्यों करूं, अभी तो तुम कह रहे थे कि अभी दिला दोगे, अब क्या हो गया है तुम्हें? मेरी जान, मैं अपनी जबान से बिल्कुल भी नहीं फेरा हूँ। हमें पसंद आई जगह, हम ये लेना चाहते हैं। क्या किराया है इस जगह? 1500 लीरा। 1500? जी हाँ। हाँ तो शहर के बीचों बीच है आखिर। इन्होंने सही कहा, ये लीजिए, यहाँ साइन करते हैं। वो तो ठीक है, मगर मैं पैसे आपको कल दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में अकाउंट नंबर भी मौजूद है। दुकान के मालिक को 3 महीने की एडवांस पेमेंट चाहिए और उसके साथ डिपॉजिट भी। और हाँ, डिपॉजिट 1 महीने का किराया होगा आपका और स्टेट एजेंट की 12% फीस भी देनी होगी आपको। ठीक है सर। चले, मैं चलता हूँ। केनान, या अल्लाह, क्या बात करनी है मुझसे? क्या पता चला है उसे? कहीं अलिफ का तो पता नहीं चला? ओह, जो तुमसे पूछो सीधा जवाब देना। बच्चों, आज तो तुम लोगों ने कोई भी शरारत नहीं की, तो भूख लग रही है क्या तुम लोगों को? जी चाचू, बहुत भूख लग रही है। एलिफ, तुम्हें भूख लग रही है क्या? तो ठीक है, फिर हम पहले कैफे चलते हैं और उसके बाद हम लोग पार्क जाएंगे। थैंक यू चाचू। नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कैसे जान सकती हूँ? क्यों छुपाई मुझसे ये बात? क्या? बैंक से होकर आया हूँ मैं। हाँ तो? अनजान बनने की कोशिश मत करो, पैसे क्यों निकलवाए तुमने, जवाब दो। लोग पहुंच गए हैं। रुक जाओ बेटा, मैं गाड़ी पार्क कर लूं। उफ, बोर हो गई हूं मैं। टूचे,
थोड़ा सबर रखा करो बेटा। देखो अंदर जाके कोई शरारत मत करना, समझे? मैं तो नहीं करती शरारत, एलिफ करती है हमेशा। चलो आ जाओ। भाई मैं आ गया, बस कपड़े चेंज करके काम शुरू करता हूँ। मलिक, यूनुस आ गया है, अब आप जा सकती हैं। जवाब दो आरजू, जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारे। बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा सरप्राइज बर्बाद हो गया है। कैसा सरप्राइज? ठीक है बताती हूँ, क्योंकि सरप्राइज तो बाकी रहा ही नहीं। क्या करूँ, बहुत कुछ सोचा था मैंने लेकिन सब खराब हो गया। तुम कहना क्या चाह रही हो आरजू? मैं तुम्हें कार देना चाहती थी, तुम्हारी बर्थडे आ रही थी ना इसलिए। तो ये था सरप्राइज? हाँ क्या हो गया, सरप्राइज देना कोई जुर्म है तुम्हारे लिए? इस बात का कोई मतलब नहीं बन रहा। अच्छा बस भी कर दो, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, जिसका दिल चाहता है जब चाहे मुझे बेइज्जत कर देता है। बहुत हुआ आरजू, बात को बढ़ाओ मत। तुम नहीं चाहिए मुझे कोई भी कार, और आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर कंपनी के अकाउंट से कोई भी रकम नहीं निकालोगी, समझे तुम? अच्छा पापा ठीक है, सांस लेने से पहले भी तुमसे इजाजत लूंगी मैं। कहाँ जा रही हो? थोड़ा काम है, इजाजत हो तो चली जाऊं। तैयारी किस लिए भाई? मिलने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा ठीक है, मुझे भी कुछ काम है अभी, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है भाई, वैसे भी कस्टमर ज्यादा नहीं होंगे अभी। ठीक है चलता हूँ। हेलो मुराद, मैं घर जा रहा हूँ, देर से मत आना वरना खैर नहीं तुम्हारी। मैं नहीं चाहता उस बेचारी को इंतजार करवाए हम, ठीक है? मेरी वजह से आपको जहमत हुई, इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं भाई। बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या लिखा हुआ है चाचू? चिकन मशरूम सॉस के साथ और राइस विद बॉइल्ड मशरूम्स। मशरूम मुझे नहीं पसंद। और ये क्या है चाचू? इसमें सैलेड भी है चीज के साथ। और ये क्या है? जी सर अपना ऑर्डर बताइएगा। मेरे लिए बर्गर लेके आए, सबसे बड़ा बर्गर, और मुझे पिज्जा भी खाना है, साथ में फ्राइज भी खाऊंगी और कोल्ड ड्रिंक भी, और साथ में पास्ता भी ले आना। टूचे बेटा, ये सब कुछ खा लोगी तुम? जी हाँ चाचू खा लूंगी मैं। चलो बेटा ठीक है। अरे अलिफ बेटा तुम बताओ क्या खाओगी, कुछ पसंद आया तुम्हें? चलो बेटा कुछ तो खाना पड़ेगा, देखो यहाँ पिज्जा है और यहाँ पर बर्गर भी है, क्या खाओगी बेटा? सैंडविच और टोमेटो केचप। सैंडविच और टोमेटो केचप? हाँ हाँ, मेरी अम्मी मेरे लिए यही बनाती थी। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो खाओ, सैंडविच और टोमेटो केचप ले आओ। तुम समझ गए ना ऑर्डर? जी बिल्कुल।
आज कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं। सही कहा आपने भाई। और ज्यादातर ऑर्डर बर्गर और पिज्जा के हैं, लेकिन इसमें से एक ऑर्डर सैंडविच और टमाटो केचप का है। टोस्टेड सैंडविच? हाँ शायद वही ऑर्डर है, मुझे तो उस तरह से बनाना भी नहीं आता। आप रहने दें, मैं बना लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, एलिफ ये शौक सिखाती थी। खुशामदीद, कैसी हो तुम? अच्छा तो आज का दिन कैसा गुजरा? अच्छा। वैसे जैनब तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी होगी मुझे। क्या मतलब है? यही कि तुम कॉलेज जाती हो किसी को खबर किए बगैर, और इसके साथ साथ तुम नौकरी भी कर रही हो। काफी टफ रूटीन है, बहुत हिम्मत की बात है। कैसे हैं आप? अर्जु साहिबा, खुशामदीद, काफी दिनों बाद दिखाई दी आप। बस जरा काम में मसरूफ थी। खुशकिस्मत है आप, एक बहुत ही खूबसूरत हार आया है। ओह अच्छा। आप पे बहुत सूट करेगा, ट्राई करना चाहेंगी आप? बहुत प्यारा हार है। नहीं अभी रहने दे, मैं दरअसल आज अपना हार सेल करने आई हूँ, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? जी जरूर। देखकर बताइए कितने का होगा। कीमत है इसकी? अर्जु साहिबा जी बोले। आप इस शॉप की हमारी पुरानी कस्टमर है, कैसे कहूं मैं ये नहीं ले सकता मैडम। जी हाँ मैं जानती हूँ, ये बहुत कीमती हार है, आप इतनी आसानी से नहीं ले सकते, आपको इसकी रसीद चाहिए होगी। अर्जु मैडम देखिए, आप मुझे जानते हैं, अगर मुझे जरूरत ना होती तो मैं इसे कभी नहीं बेचती। बात तो ठीक है मगर देखे प्लीज, मेरी मजबूरी समझे। शायद आप मेरी बात समझ नहीं सके मैडम। क्या मतलब? ये हार नकली है। क्या? हाँ
मतलब इन दोनों में क्या फर्क है कोई नहीं बता सकता? कोई माहिर ही इसमें फर्क बता सकता है, उसके अलावा किसी को भी शक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। कोई नहीं बता सकता कि ये हार असली है या नकली, यहाँ तक कि इसकी मालकिन भी नहीं। खाना लो। तुझे बेटा नहीं करो, मुझे भूख लग रही है बहुत। अलिफ को देखो कितनी खामोशी से बैठी है। ये जो भी करे मुझे इससे क्या। तुझे खाना लो। शुक्र है आ गया खाना। कहाँ रह गए थे तुम लोग, इतनी देर लगा दी लाने में। सॉरी सर, ऑर्डर्स हमारे पास आज ज्यादा है। ये सैंडविच आपके लिए स्पेशल बनवाया है, आपको पसंद आएगा। चलो शुरू करते हैं। अलिफ बेटा चलो खाओ ना। अच्छा लगा तुम्हें? मेरी अम्मी मेरे लिए यही बनाती थी। मेरा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है ये। अम्मी जैसा बनाती है बिल्कुल वैसा नहीं है। तुझे बेटा क्या प्रॉब्लम है? ये खाना बहुत ही बुरा है और तुम भी बहुत बुरी हो। तुझे बस करो अब। देखो ऐसा करोगे तो दोबारा नहीं लाऊंगा तुम्हें। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना चाचू, वैसे भी ये बहुत गंदी जगह है। तुझे बैठ जाओ यहाँ। नहीं बैठना, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाचू, मुझे अभी यहाँ से पार्क ले जाएं। खाना खा लो फिर चलते हैं यहाँ से। नहीं खाना, मुझे बस अभी पार्क जाना है। तुझे बैठो फौरन। आप अगर मुझे नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। तुझे अलिफ तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ, कहीं मत जाना। तुझे वापस आओ यहाँ। तुझे इधर आओ। ये क्या हो रहा है?